हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं महाबली भोकाल की कॉमिक्स डंकिनी का दूसरा भाग। अदृश्य होकर वहां से चली गई डंकिनी, भोकाल और धनुषा भी वापस लौट पड़े। एक योद्धा का कर्तव्य निभाता भोकाल अपनी जिन निजी समस्याओं को दिन में अपने से दूर रखता, रात को लाख चाहकर भी उन्हें अपने से दूर न भगा पाता। पाप के अवतार का खात्मा करने का यह अभियान मुझे शीघ्र ही समाप्त करके वापस लौटना होगा, क्योंकि वापस लौटकर मुझे खोज करनी है। तुरीन से पैदा नन्हे भोकाल की, सलोनी रूपसी और उनसे उत्पन्न अपने दोनों बच्चों की, तभी रात के सन्नाटे को चीरती एक चीख ने भोकाल के ध्यान को अपनी तरफ खींचा। बचाओ! यह चीख, पास ही कोई नारी संकट में है, मुझे देखना चाहिए। चीख की दिशा में सरपट दौड़ पड़ा भोकाल, और जब चीखने वाली नजर आई तो भौचक्का रह गया भोकाल। यह तो सलोनी है जो एक राक्षस से बचने के लिए चीखती भाग रही है, लेकिन यह यहाँ कैसे? बचाओ! यह तो सलोनी ही बता सकेगी कि वह यहाँ कैसे आई। इस समय तो मुझे समय ना गवाते हुए सलोनी की तरफ बढ़ते राक्षस के कदमों को रोकना होगा। तेजी से लहराया भोकाल और दूसरे ही क्षण राक्षस से जा टकराया। तूने अपने अपवित्र हाथों से भोकाल की पत्नी को छूने का साहस किया है दुष्ट। भोकाल इन हाथों को अब किसी को भी छूने लायक नहीं छोड़ेगा। इन्हीं आंखों ने भोकाल की पत्नी पर बुरी दृष्टि डाली थी ना, अब ये सदा के लिए कुछ देखने के काबिल नहीं रही। इसी सीने में मौजूद हृदय में मेरी पत्नी के लिए गंदे विचार उठे थे, ले अब यह हृदय सदा के लिए धड़कना बंद हुआ। इधर भोकाल के क्रोध का भीषण शिकार होकर नीचे गिरा वह राक्षस, इधर दौड़कर भोकाल के सीने से आ लिपटी सलोनी। स्वामी, तुम यहाँ कैसे? सलोनी, रूपसी और बच्चे कहाँ हैं? उनका मुझे पता नहीं स्वामी, आपका छद्म भेष धर कर किसी दुष्ट राक्षस ने हमारा अपहरण किया था, तभी से उन्होंने हमें न जाने कहाँ अंधेरी कोठरियों में बंद कर रखा है। आज मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर यह राक्षस मुझे न जाने कहाँ ले जा रहा था। अचानक मुझे इसके हाथों से छूटकर भाग खड़े होने का अवसर मिल गया, और सौभाग्य से मैं आपसे आ मिली। पता नहीं रूपसी और उसका पुत्र वे मेरी पुत्री कहाँ होंगे। भर आई सलोनी की बड़ी बड़ी आंखें। तो भोकाल ने ढांढस बताया, दुखी ना हो सलोनी, रूपसी और बच्चे जहां भी होंगे सकुशल होंगे, मैं जल्द ही उन्हें ढूंढ लूंगा। आओ तुम मेरे साथ शिविर में चलो। खुशी की अधिकता से भोकाल से लिपटी सलोनी उसके साथ शिविर की तरफ चल दी, लेकिन शिविर तक पहुंचते ही उसकी सारी खुशी काफूर हो गई। क्या हुआ प्रिय, तुम एकाएक विचलित नजर क्यों आने लगी? शिविर में जाने के स्थान पर क्यों ना हम किसी मनोरम स्थल पर चले, जहां हम दोनों के सिवा कोई ना हो। और देखिए, ऐसा मनोरम स्थल वो सामने ही है, आइए वहां चले। भोकाल लाख चाहकर भी सलोनी का विरोध ना कर सका और उसके साथ उस मनोरम स्थल पर जा पहुंचा। वास्तव में अति मनोहारी स्थल है यह, कितने सुंदर सुंदर फूल हैं, प्रिय पक्षी हैं, अति सुंदर झरने हैं, और साथ में हो तुम। सचमुच बहुत आनंद आ रहा है यहाँ। किस आनंद की बात कर रहे हो महाबली? अरे वृद्धवर, आप यहाँ आइए आइए और इस सर्वतुल्य स्थान का आनंद लीजिए। इन फूलों को निहारिए, इन झरनों को देखिए, यहाँ उपस्थित सुंदर पक्षियों से बातें कीजिए और मिलिए मेरी पत्नी सलोनी से। वृद्ध के अधरों पर खेल गई वह रहस्यमयी मुस्कान। तुम किन फूलों की बात कर रहे हो महाबली? मुझे तो यहाँ कांटेदार नाक फनियों के सिवा कुछ नहीं दिख रहा। मुझे तो यहाँ कोई सुंदर पक्षी नजर नहीं आ रहा। हाँ, कुछ मनहूस वह भयंकर पक्षी जरूर दिख रहे हैं।
और इन झरनों को निहारने की तो कुछ बात ही नहीं, क्योंकि इनमें जल के स्थान पर विष्ठा बह रही है। और रही बात तुम्हारी पत्नी सलोनी की, तो वह तो मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रही, ये तो है कोई। सलोनी की तरफ देखते वृद्धवर आगे कुछ कह पाते उससे पहले ही, छोड़ो मुझे, सलोनी ने एक तेज झटके से भोकाल की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाया और जान छोड़कर वहां से भाग खड़ी हुई। ये क्या हुआ वृद्धवर, सलोनी आपको देखते ही भयभीत होकर भाग क्यों गई? हमें क्या पता महाबली, रोको उसे और उससे ही जाकर पूछो। आप ठीक कहते हैं, मुझे उसी से पूछना होगा। उससे ना भी पूछ सको तो कोई बात नहीं महाबली, अभी तुम्हें स्वयं ही पता चल जाएगा कि वह शिविर के अंदर आने से क्यों घबरा रही थी और क्यों हमें देखते ही भाग गई। भोकाल अगर मुड़कर वृद्ध के अधरों पर खेलती मुस्कान को देख लेता तो तुरंत ही उसे यह रहस्य का पता चल जाता जिसके लिए वह सलोनी के पीछे दौड़ रहा था। रुक जाओ सलोनी, इस तरह बदहवास सी कहाँ भागी जा रही हो तुम? द्रुत गति से भागती जो सलोनी भोकाल के प्रयासों से ना रुकी, वह उस चट्टान सी छाती से टकराकर रुकी जिसका स्वामी था अति क्रूर, जिसने दोबारा भागने का प्रयत्न करती सलोनी के बाल लपक कर पकड़ लिए। अब तेरा यहां से जीवित वापस लौट जाना संभव नहीं है डायन। अति क्रूर, यह क्या कर रहे हो तुम? सलोनी से इतनी क्रूरता से पेश आ रहे हो, यह जानते हुए भी कि यह मेरी पत्नी है? अपने मित्र की पत्नी को हाथ लगाने से पहले अति क्रूर मर जाना पसंद करेगा भोकाल? यह तुम्हारी पत्नी सलोनी नहीं है, यह उसके रूप में कोई राक्षसी है। और यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं स्वयं राक्षस जाति का हूँ। राक्षसों के शरीर से उठती गंध और उनके हाव भाव को मैं खूब पहचानता हूँ। सलोनी के रूप में राक्षसी? ओह हा हा हा, तेरे मित्र ने सही पहचाना भोकाल, मैं राक्षसी डंकनी ही हूँ। छल से तुझे अपना बनाने आई थी मैं। एक बार तू अगर मेरे जाल में फंस गया होता तो फिर कभी नहीं निकल पाता, लेकिन तेरा साथ पुण्य आत्माएं दे रही है इसलिए तू मेरे जाल से बच गया। पर तू ज्यादा समय तक बचा नहीं रहेगा, मैं तुझे अपना बनाकर ही दम लूंगी, लेकिन पहले समाप्त कर दूं तेरे सहयोगियों को। और उसका आरंभ मैं तेरे मित्र अतिक्रूर का वध करके करती हूँ। भोकाल के होते तू अतिक्रूर के शरीर पर खरोच भी नहीं डाल पाएगी चुड़ैल। अतिक्रूर को डंकों की उस वर्षा से बचाकर भोकाल जो गरजता हुआ आगे बढ़ा तो उसे अतिक्रूर ने रोक लिया। मुकाबला दो राक्षसी शक्तियों का है मित्र, इसलिए तुम रुको और देखो कि इस मुकाबले में दुष्ट राक्षसी शक्ति जीतती है या पुण्य राक्षसी शक्ति। पाप बहुत शक्तिशाली होता है अतिक्रूर, इसलिए वह कभी नहीं हारता, अपने पावों तले कुचल डालता है वह पुण्य को। देख पाप की शक्ति और कर कुचले जाने की तैयारी, क्योंकि मेरे शरीर के विशाल होने के साथ ही उस पर लगे डंक भी विशाल हो जाते हैं, जिनसे बच पाना मेरे शत्रुओं के लिए असंभव होता है। सामने अति क्रूर जैसा शत्रु हो भड़ाक कड़ाक और उसके हाथ में ब्रह्मांड की हर शक्ति को सीना चीरने वाला अस्त्र दंताक हो तो असंभव कार्य क्षण भर में ही संभव हो जाते हैं। विश्व का सबसे प्रलयंकारी अस्त्र डंकनी के हर वार पर पल्ले ढा रहा था, लेकिन डंकनी की शक्तियां भी कम प्रलयंकारी नहीं थी। बहुत देर हो गई तुझे वार करते करते, अब मेरी बारी है, एक क्षण के लिए लड़खड़ा गया अति क्रूर। और यही क्षण वार करने के लिए सुनहरा क्षण था, यह बात डंकिनी अच्छी तरह समझ गई थी। डंकों ने अति क्रूर को खूंटी की तरह पेड़ पर टांग दिया था। अपने मित्र की हालत पर भला कैसे ना रो पड़ता भोकाल का दिल। उफ, अतिक्रूर भारी संकट में फंस गया है, अब किसी भी क्षण वह चुड़ैल उसके प्राण हर सकती है।
परंतु मैं विवश हूं, मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा इस मुकाबले के बीच में पड़ना नियम के विरुद्ध होगा। युद्ध के नियमों में बंधा वह योद्धा अपने परम मित्र की कोई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अतिक्रूर जैसों को मदद की आवश्यकता पड़ती ही कब है? वे तो स्वयं किसी भी संकट से निकलना और अपने प्रतिद्वंद्वी के वारों का प्रत्युत्तर देना अच्छी तरह जानते हैं। और आज डंकनी भी अतिक्रूर को समाप्त करने की ठान चुकी थी। बहुत शैतान चूहा है तू, इसीलिए तुझे पिंजरे में फंसाकर मारा जाए तो ही अच्छा है। ओहो, पलक झपकने की देरी से बहुत पहले ही अतिक्रूर डंकों से बने पिंजरे में कैद था। हा हा हा, फंस गया। अब तू बुरी तरह फंस गया चूहे, क्योंकि तुझे पिंजरे में बंदी बनाने वाले डंक मात्र पिंजरा बनाने के ही काम नहीं आते, अपितु पिंजरे में फंसे चूहे को मारने के भी काम आते हैं। वैसे अगर तू इस पिंजरे को उखाड़ कर इससे मुक्त होने का विचार कर रहा है तो त्याग दे अपना विचार। ये पिंजरा अब नहीं उखड़ने वाला, क्योंकि जो डंक इसमें लगे हैं हो वे अंदर ही अंदर अपनी लंबाई बढ़ाकर पाताल तक पहुंच चुके हैं, और उन्हें तू पाताल से वापस खींच ले, ऐसा शक्तिशाली नहीं है तू। इसीलिए मात्र मरने की सोच। हा हा हा, डंकिनी के कंठ से उबला वह ठाका दूसरे ही क्षण उसके गले में ही घुटकर रह गया, और अब उबल पड़ी थी उसकी आंखें, और उबलती भी क्यों ना, उसकी आंखों के सामने जो मौजूद था अविश्वसनीय दृश्य, जिसके सीने में साहस और कुछ भी कर गुजरने की इच्छा शक्ति और बाजुओं में शक्ति का लोहो भरा हो, उसे पाताल क्या तीनों लोक नहीं रोक सकते। ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली पुरुष होने का इससे बड़ा और क्या प्रमाण देता अतिक्रूर? उसने डंकों के उस पिंजरे को उखाड़ फेंका और चीते की तरह झपट कर उसने दंताक उठा लिया। और तूने अपने जो डंक पाताल तक पहुंचाए थे, मैंने उन्हें उखाड़ फेंका डंकिनी, लेकिन मैं तेरे पैर को अपने दंताक से धरा से ही गाड़ता हूं। इसे उखाड़ कर अपनी शक्ति दिखा। खचाक, आह, पीड़ा से तिलमिला उठी डंकिनी ने अपने को दंताक से छुड़ाने के लिए संपूर्ण ताकत लगा दी। आह, लेकिन वह तिनके भर भी अपना पैर ऊपर खींचने में सफल ना हो सकी। आह, नहीं उखाड़ सकी ना डायन, ले मैं स्वयं ही दंताक को बाहर निकाल लेता हूं, मुझे इसकी आवश्यकता है, क्योंकि मुझे इससे पहले तोड़ना है तेरे शरीर पर उगे तेरे इन डंकों को। खटाक खटाक, और अब तोड़ूंगा तेरे सिर को, लेकिन उसके लिए यह आवश्यक है कि पहले तेरे घुटने तोड़े जाएं, ताकि तू नीचे आ गिरे। आह, और फिर बड़े ही आराम से तेरा सिर तोड़ दिया जाए। बचाक, आह, अतिक्रूर की क्रूरता और शक्ति का अद्भुत नमूना था ये, जिसे देखकर जय जयकार कर उठे वहां खड़े सभी ऋषि मुनि। वीर अतिक्रूर की जय, जय मेरी नहीं मुनिवर, जय पुण्य और सत्य की बोलिए। मेरा मित्र ठीक कह रहा है ऋषिवर, सचमुच जय सत्य और पुण्य की बोली जानी चाहिए, क्योंकि सत्य और पुण्य की राह पर चलने वाला कभी नहीं हारता। लेकिन यह डंकनी थी कौन, और पुण्य आत्माओं का वध करके उनको ले जाने के पीछे उसका उद्देश्य क्या था? डंकनी एक बहुत बड़ी शैतानी शक्ति थी महाबली। उसने अपनी अन्य दो बहनों कपालिका और कलंकनी के साथ मिलकर तप से, छल से और युद्ध से सैकड़ों काली शक्तियों को अपना गुलाम बना लिया। विश्व के कोने कोने में अपने आतंक की पताका फहराने के बाद इन तीनों बहनों ने एक रहस्यमयी नगरी कलंका की सुरक्षा का दायित्व अपने कंधों पर ले लिया। यह कलंका नगरी वह नगरी है जो कभी सोने की लंका के नाम से प्रसिद्ध थी, और महाशक्तिशाली रावण जिस पर राज करता था और वीर हनुमान ने जिसे जला डाला था, तभी से वह कोयले सी काली हो गई थी।
रावण की समाप्ति के पश्चात राक्षसों ने उस लंका पर अपना अधिकार जमा लिया और उसे नया नाम दिया, कलंका। कलंका नगरी के अंदर क्या है यह आज तक कोई नहीं जान पाया है, परंतु यह बात सबको पता है कि डंकिनी, कलंकिनी और कपालिका नाम की तीनों शक्तिशाली बहनें कलंका की रक्षा और उसे शैतानी शक्तियों से युक्त करने के लिए सदा तत्पर रहती है, और इसके लिए हर अमावस्या की रात्रि को समस्त कलंका नगरी को पुण्य आत्माओं के रक्त से स्नान कराया जाता है। लेकिन इस बार किसी विशेष सिद्धि के लिए कलंका को 11 लाख रक्त के घड़ों से नहलाने का प्रयोजन है। इतने रक्त को इकट्ठा करने का दायित्व सौंपा गया था डंकनी को। तभी वह अपने पलंकारी डंकों की सहायता से पुण्य आत्माओं को शिकार बना रही थी, और फिर वह उनको अपनी बहन कपालिका को सौंप देती थी, जो उनका रक्त निकालकर उसे 11 लाख अभिमंत्रित घड़ों में सुरक्षित रख रही है। आने वाली अमावस्या को उन 11 लाख घड़ों से कलंका को स्नान कराकर उसका महाभिषेक किया जाएगा। ओहो, इसका मतलब वही कलंका नगरी हमारा लक्ष्य हो सकती है। हम उस पर आक्रमण करके पाप के अवतार को समाप्त करने के अपने अभियान को सफल बना सकते हैं। तभी मुस्कुराते हुए वृद्ध बोल उठे, 100% कलंका नगरी तुम्हारा लक्ष्य है महाबली। तुम्हें उस पर आक्रमण करना ही होगा, क्योंकि तुम्हारा सारा परिवार कलंका नगरी में ही कैद है। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं वृद्धवर? महाबली डंकनी हूबहू तुम्हारी पत्नी सलोनी का रूप कैसे धर पाई? अगर उसने तुम्हारी पत्नी को ना देखा होता तो क्या वह ऐसा कर सकती थी? उत्तर है नहीं। किसी को बिना देखे कोई उसका हूबहू रूप नहीं धर सकता, और डंकिनी उसे तभी देख सकती है जब वह उसकी कैद में हो। वृद्ध का एक एक शब्द भोकाल के मस्तिष्क में घर करता जा रहा था। उनके चुप होते ही अधीरता से बोल उठा भोकाल, आपने ठीक कहा वृद्धवर, सचमुच मेरा परिवार कलंका में ही कैद होगा। मुझे कलंका पर तुरंत ही आक्रमण करना होगा। यह सब इतना आसान नहीं है महाबली। मैं इस स्थान पर वर्षों तक भटका हूँ, इसलिए जानता हूँ कलंका तक पहुँचने का रास्ता बहुत ही दुर्गम है। उसके लिए तुम्हें वो सामने दक्षिण दिशा में दिखता विशाल और अत्यंत विकराल पर्वत पार करना होगा, और उसके बाद पार करना होगा उस पर्वत के पीछे स्थित भयंकर विष सागर। इन दोनों दुर्गम रास्तों को किसी ने पार करने का साहस नहीं किया है, इसीलिए आज तक कोई कलंका तक नहीं पहुंच पाया। बड़ी से बड़ी सेना को इन रास्तों पर आने वाले संकटों ने निगल लिया। जो आज तक नहीं हुआ वह आज होगा वृद्धवर, हमारी सेना कलंका तक पहुंचेगी। रास्ते में मौजूद हर संकट का मुंह तोड़कर रही विशाल पर्वत की बात श्रीमान, तो उसके लिए यह दंताक है ना, जो पर्वत को धूल में मिलाकर विष सागर तक पहुंचने की राह बना देगा। और हैं मेरे पलंकारी बाण, जो बड़े से बड़े संकटों को चुटकियों में ही समाप्त करने में सक्षम है। तीनों पराक्रमियों का हौसला और लक्ष्य तक पहुंचने की दृढ़ प्रतिज्ञा वृद्ध रूपी हनुमान को शीघ्र ही देखने को मिली। धड़ाक भड़ाक, धन्य है ये मनुष्य जो संपूर्ण मानवता की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करके रात दिन पाप के अवतार तक पहुंचने में जुटे हुए हैं। भड़ाक, वास्तव में ऐसे ही मनुष्यों के बल पर पृथ्वी अभी तक विनाश से बची हुई है। इस लगन से सफलता इन्हें शीघ्र ही मिलेगी। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है, अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।